नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तर प्रदेश पुलिस आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली यूपी 112 के माध्यम से त्वरित नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनपद आजमगढ़ को 9 अदद नए 4 पहिया पुलिस रिस्पांस वाहन PRB तथा 3 अदद 2 पहिया PRB मुख्यालय पुलिस महानिदेशक अपर पुलिस महानिदेशक यूपी 112 द्वारा आवंटित किए गए हैं। पूर्व में जनपद को 14 चार पहिया वाहन तथा 4 दो पहिया PRB पहले ही प्रदान की जा चुकी है। इस प्रकार जनपद को अब तक कुल 23 नई 4 पहिया PRB तथा 7 नई 2 पहिया PRB प्रदान की जा चुकी है। नए प्राप्त PRB वाहनों का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी एवं पुलिस महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ के निर्देशन में रिजर्व पुलिस लाइंस आजमगढ़ में आयोजित किया गया। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीणा द्वारा सभी 12 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर उनके आवंटित स्थानों हेतु रवाना किया गया। जनपद को प्रदत्त सभी 9 चार पहिया PRB रूप माउंटेड कैमरा से सुसज्जित है एवं घटना स्थल का स्वयं फोटो और वीडियो लेने में सक्षम है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा प्रदान की जा रही आकस्मिक सेवाओं जैसे पुलिस फायर सर्विस, मेडिकल सर्विस, महिला PRB एवं महिला रात्रि सुरक्षा सेवा से संबंधित आम जन जनमानस को तत्काल सेवा प्रदान करने, सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उक्त समस्त PRB जनपद आजमगढ़ को प्रदान की गई है, जिसमें जनपद आजमगढ़ के नागरिक आपातकालीन हेल्पलाइन 112 का सही समय पर प्रयोग कर यूपी 112 के माध्यम से पुलिस के सहयोग से किसी भी समय सुरक्षा सेवा प्राप्त कर सकते हैं। नई प्राप्त 4 पहिया PRB से जनपद आजमगढ़ के थाना महाराजगंज को 2 PRB तथा थाना सरामीर मुबारकपुर कप्तानगंज मेहनगर तरवा दीदारगंज व देवगांव को क्रमशः 1-1 PRB तथा प्राप्त 2 पहिया में से देवगांव पवई व सिधारी को क्रमशः 1-1 PRB आवंटित की गई है, जो उक्त थाना क्षेत्रों में रहते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने का कार्य करेंगे। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। देखिए, आप सभी को जानकारी है कि यूपी 112 लगातार बहुत अच्छा काम कर रही है और जो फेज फर्स्ट में जो गाड़ियां आवंटित हुई थी उनमें से कुछ गाड़ियां जो कंडम हो गई थी और उनकी जगह नई गाड़ियां हैं वो अभी परिवर्तित की जा रही है। उसी के क्रम में पहले जनपद को 14 नई स्कॉर्पियो गाड़ियां मिली थी और इसमें कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में उसमें CCTV कैमरा है वो भी लगा हुआ है और आज 9 जो गाड़ियां हैं स्कॉर्पियो वो और जनपद को मिली है और 3 इसमें जो दोपहिया वाहन भी हैं जो कि पल्सर मोटरसाइकिल है और इनमें भी मतलब सारे जो नए इक्विपमेंट्स हैं वो लगाए गए हैं। तो इस तरीके से ये एक फेज़ 2 के तहत जो सारी जो गाड़ियां हैं जो पुरानी हो गई है कंडम हो गई है उनकी जगह नई गाड़ियों को रिप्लेस किया जा रहा है और कुछ गाड़ियों की संख्या भी इसमें बढ़ी है। इससे ना केवल अपराध नियंत्रण पर बल्कि यहाँ पे और जो पुलिस की जो प्रेजेंस है उसको बहुत अच्छा किया जा सकेगा और साथ ही साथ जो नए कानून आए हैं उन्हीं के मद्देनज़र भी इनमें CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। यदि कोई बड़ी घटना होती है, कोई लॉ एंड ऑर्डर होता है या कोई सीन ऑफ क्राइम पे गाड़ियां जाती है तो इनमें जो कैमरे लगे हुए हैं वो वहाँ पे घटना स्थल है उसका रिकॉर्डिंग भी करेंगे, जिससे कि जो साक्ष्य का संकलन भी किया जा सकेगा और आगे आने वाले टाइम में अपराध नियंत्रण में और उसके बाद में जो कोर्ट्स के मैटर्स हैं ट्रायल में वहाँ पर सजा कराने में भी आसानी होगी। और इनसे इनके माध्यम से हम ये भी देख सकते हैं कि जो CCTV लगे हुए हैं उनका जो फीड है उसको कहीं से भी रिमोटली भी एक्सेस किया जा सकता है, तो जिससे कि आप कहीं पे भी बैठ के और यदि कहीं पे घटना स्थल पे कोई कोई इस तरह की चीज़ें हो रही है तो उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं और उसमें आप टाइम पे डायरेक्शन से भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो गाड़ियाँ आई हैं इनका जो आजमगढ़ पुलिस है इसको बड़ा इसमें सहयोग मिलेगा और आने वाले टाइम में पुलिस को और भी इस तरह के जो संसाधन है वो मिलेंगे, जिससे कि कानून व्यवस्था की स्थिति है और लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग अच्छे से मेंटेन करें और अपराध पे पूरी तरीके से नियंत्रण करने में इन सब चीज़ों का बड़ा सहयोग मिलेगा। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।